तो आज मैं मुर्ग मुसल्लम बनाने जा रही हूँ। तो मुर्ग मुसल्लम बनाने के लिए पहले एक ऐसा साबुत चिकन ले लिया मैंने, ये 1 किलो वजन की है। और उसको अच्छे से फ्रेश करके धो लिया और ऐसे कट्स लगा लिए हैं चारों तरफ, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला घुस जाए सारा। ठीक है, तो अभी मैं इसके मसाला बनाती हूँ। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम दही ले लेंगे। चार चम्मच नींबू के जूस, 1 चम्मच, हाफ चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और 1 चुटकी रेड फूड कलर। आप ये नहीं भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छा सा दिखे कलर। अभी इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। पहले सॉरी, इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट डालना है, भूल गई थी मैं। 3 चम्मच। अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले को। मसाले अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसको चिकन के ऊपर अच्छे से फैला के लगाएंगे। अच्छे से बिल्कुल चिकन को चारों तरफ से जो कट्स लगाए उसके अंदर और पूरे बॉडी पे अच्छे से ये मसाला लगाना है। बिल्कुल चारों तरफ से मसाले से कोट कर लिया है और मैं अभी इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखूंगी, ताकि पूरा मसाला अच्छे से चिकन में लग जाए। तो मैं 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। तब तक हम बाकी के मसाला तैयारी कर लेते हैं। हम अभी मसाले की तैयारी करेंगे। तो मैंने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, हाफ चम्मच काली मिर्ची, 1 टुकड़ा दालचीनी के, 2 इलायची, 4-5 लौंग और 1 स्टार ऑन इसको ले लिया। अभी मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूंगी। मैंने सारे खारे मसाले को हल्का सा रोस्ट कर लिया। 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस कट लिया। इसको मैं अभी अच्छे से फ्राई करूंगी ब्राउन होने तक, क्योंकि पेस्ट बनाना है। तो ऑयल गरम हो गया, अभी मैं ऑनियन को फ्राई करूंगी। तो ऐसे हल्का ब्राउन होते ही हम उसको उतार लेंगे गैस के फ्लेम को कम करके। ये मैंने 8-10 बादाम ले लिया और ये 12 काजू ले लिया। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ही हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ऐसे ही इनको भी हल्का सा फ्राई कर लिया और हम इसको उतार लेते हैं। ये रोस्ट खड़ा मसाला, ऑनियन और ये ड्राई फ्रूट, इन सबका मैं फाइनली पेस्ट बना लूंगी। तो ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप मुर्ग मुसल्लम की तैयारी कर लेंगे। सारे चीजों को मिला के ऐसा एक पेस्ट बना लिया हमने। तो आप चलते हैं दूसरे स्टेप पे। 1 घंटा हो चुका है, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अभी मैं इसको फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए वो जो ऑनियन और बादाम और काजू फ्राई किया था वही ऑयल पे मैं अभी डालूंगी इसमें बटर। तो बटर डाल दिया। इससे पहले ये चिकन के जो ये लेग्स है इसको हम ऐसे अच्छे से धागे से बांध देंगे, ताकि ये फ्राई करते टाइम एकदम बिल्कुल ऐसे जोड़ के रहे, नहीं तो ये फैल जाता है और फ्राई करते टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैं इसको ऐसे उठा के कढ़ाई में इसे फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। इसको मैंने पलट पलट दिया है। अभी हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा के बिल्कुल अच्छे से।
तो ऐसे भी दूसरे साइड को हमने पलट लिया है। और अभी हम इसके ऊपर से ऐसे कश्मीरी रेड चिली पाउडर हल्का हल्का सा छिड़क छिड़क के इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा और अंदर तक सब जगह पे मसाला घुसेगा और फ्राई होते टाइम भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो ऐसे घुमा घुमा के इसको फ्राई कर रही हूँ चारों तरफ से। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ढक के भी पकाऊंगी ताकि ये एकदम अंदर से अच्छे से पक जाए। तो ऐसे ही एकदम लो फ्लेम पे ढक के मैं पका रही हूँ इसको चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा के, और ये अच्छे से बॉईल भी हो जाए एकदम अंदर से पूरा चिकन। तो मैं ढक रही हूँ और ऐसे ही ढक के पकाएंगे जब तक चिकन अच्छे से बॉईल ना हो जाए अंदर से। तो मैंने और फिर से इसको 2 मिनट तक पका लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अभी मैं इसको उतार लूंगी कढ़ाई से। तो अभी इसका हम मुसल्लम बनाएंगे या ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो ये जो मैरिनेट किया हुआ मसाला है ये सब मैं इसमें पहले डाल दूंगी, कुछ खराब नहीं करेंगे हम। और इसमें अभी मैं डालूंगी ये दही 3 चम्मच भर के, अच्छे से मिलाएंगे इसको सारे मसाले को, हल्का सा फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ दही को। ग्रेवी के लिए मैं इधर 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, ये है मम्मी वाला प्यार नमक स्वाद अनुसार, और चिकन में मैंने नमक डाल दिया था पहले ही। तो अभी मैं ये जो पेस्ट बनाया है सारे रोस्टेड मसाले की इसको अभी डाल दूंगी इसमें। तो अच्छे से दही के मसाले और ये जो पेस्ट बनाया हुआ था ये सब हमने मिक्स कर लिया एकदम बिल्कुल अच्छे से, और इसको हल्का सा भी भून लेंगे। मसाला अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अभी मैं इसको ये जो फ्राई किया हुआ है चिकन इसको फिर से कढ़ाई में डालेंगे। ये ग्रेवी में बिल्कुल अच्छे से लोथपोथ हो जाए चारों तरफ से इसको घुमा के थोड़ा सा पकाएंगे 5 मिनट। ये बन गया है बिल्कुल मुर्ग मसालम बन के रेडी हो गया है। अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता अच्छे फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अभी मैं इसका प्लेटिंग करती हूँ, प्लेटिंग कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी डाल के, और मैं अभी इसको प्याज और काकड़ी से गार्निशिंग करूँगी। तो प्लेटिंग कर लिया मैंने काकड़ी टमाटर नींबू से और प्याज से, ठीक है, ऊपर एक हरा धनिया पत्ता डाल के। तो एकदम मैंने इजी तरीके से बनाया, आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बनाओ और खाओ और सबको खिलाओ, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो मेरा ये, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।